हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यार, हम बहुत टाइम बाद आपके लिए इंटेक्स के बहुत ही बढ़िया 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर की अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। इसका मॉडल नंबर है इंटेक्स 4.1 XH BOM TU-FB। एंड दोस्तों इसकी जो अभी MRP चल रही है वो है 5999 रुपीज। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को बेस्ट प्राइस पे परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर आपको ये मॉडल काफी बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको गुप्ता रेडियो का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम इस मॉडल की अनबॉक्सिंग करेंगे, साउंड टेस्ट भी करने वाले, सो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। एंड देखेंगे दोस्तों यार, ये मॉडल अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों यार हमने भी काफी टाइम बाद यार इंटेक्स का कोई मॉडल कवर करा है। सो हमें भी दोस्तों यार काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि यार ये मॉडल की साउंड क्वालिटी हमें कैसी मिलती है। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों यार, अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा इंटेक्स 4.1 XH BOM TU-FB का बॉक्स। एंड देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स पर हमें मॉडल का जो डिजाइन है वो पूरा बना हुआ मिल जाता है। साथ में दोस्तों यार बॉक्स पर थोड़े फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ हमें मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों इस पर हमें USB TF कार्ड स्लॉट, FM रेडियो, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ों का सपोर्ट मिल जाता है। साथ में दोस्तों हमें फुली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल भी इस पर मिल जाता है। एंड दोस्तों ये है 4.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। चलिए दोस्तों फटाफट से अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं एंड आपको हर एक चीज़ को डिटेल पे दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। देख लीजिए बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स मिल जाता है। सो यार सबसे पहले सारे सामान को भी बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको हर एक चीज को डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हमें यूजर मैनुअल मिल जाती है। प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। एंड दोस्तों देख लीजिए, हमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। सो हम रिमोट कंट्रोल से भी अपने सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, रिमोट कंट्रोल के थ्रू हम बेस एंड ट्रबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है। बट दोस्तों रिमोट कंट्रोल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी डिसेंट सी लगी। चलिए दोस्तों अब अपने सेकंड बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं यार इसके अंदर हमें क्या क्या सामान मिलता है। देखिए दोस्तों, हमें RCA 3.5mm केबल भी मिल जाती है एंड 4 सैटेलाइट स्पीकर्स भी दोस्तों हमें इसी बॉक्स के अंदर मिलते हैं। सो अपने सैटेलाइट स्पीकर को भी अनरैप करके मैं आपको डिटेल पे दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सैटेलाइट स्पीकर का जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। हमें सामने की तरफ से देखिए ग्लॉसी फिनिशिंग भी मिल जाती है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सैटेलाइट स्पीकर को डिटेल पे दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों यार, टॉप पर हमें इंटेक्स की ब्रांडिंग मिलती है एंड हमें सामने की तरफ से 3 इंच का ड्राइवर लगा हुआ मिल जाता है, सैटेलाइट ड्राइवर। एंड दोस्तों ये है 18 वॉट्स RMS का। दोस्तों बाकी के सैटेलाइट स्पीकर भी सेम हमें इसी की तरह डिज़ाइन में मिल जाते हैं एंड सभी पर हमें 3 इंच के ड्राइवर्स मिल जाते हैं एंड सभी का जो आउटपुट है वो हमें 18 वॉट्स RMS का मिलता है। चलिए अब मैं आपको इसकी बैक साइड को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों यार, हमें वॉल माउंट का ऑप्शन इस पर नहीं मिलता है, तो यार यहाँ पे मुझे थोड़ा ड्रॉबैक लगा है। वॉल माउंट का ऑप्शन हमें मिलना चाहिए था। बाकी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों हमें सैटेलाइट स्पीकर्स की बढ़िया लगी है। चलिए दोस्तों बाकी के सैटेलाइट स्पीकर्स को भी अनरैप कर लेते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सबवूफर को भी पूरे डिटेल पे दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यार, सबवूफर का जो डिज़ाइन है वो भी हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। चलिए अब हम आपको इसे पूरे डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों पूरा वुडन का कैबिनेट हमें इस पर मिलता है। देख लीजिए सामने की तरफ से हमें इंटेक्स की ब्रांडिंग भी इस पर मिल जाती है एंड हमें दोस्तों सामने की तरफ से ही इस पर 6.5 इंच का सबवूफर मिलता है, जो कि है 50 वॉट्स RMS का। सो यार बेस क्वालिटी तो यार बढ़िया हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि 50 वॉट्स RMS का सबवूफर मिल रहा है। एंड दोस्तों बीच में ही देख लीजिए, हमें LED डिस्प्ले भी इस पर मिल जाता है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें मोड का बटन मिल जाता है, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट के बटन भी मिल जाते हैं। साथ में प्ले पॉज वाले बटन से दोस्तों हम स्कैन को भी कर सकते हैं एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट वाले बटन से हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। साथ में हमें TF कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है एंड USB पोर्ट भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके बैक साइड को डिटेल पे दिखा देता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है, FM एंटीना केबल भी मिल जाती है। दोस्तों हमें इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट भी मिल जाते हैं। आउटपुट पोर्ट पर ही हमारे सारे सैटेलाइट स्पीकर्स कनेक्ट होंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें बैक साइड पर मिल जाती है। दोस्तों इस साइड पर देख लीजिए, हमें बेस रिफ्लेक्ट पोर्ट मिल जाता है, यानी कि होल जहाँ से एयर पास होगी। बट यार इस पर हमें कोई भी प्रोटेक्शन लगा हुआ
नहीं मिलता है। सो ओवरऑल यार दोस्तों सबवूफर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो हमें काफ़ी पसंद आई है, साथ में डिज़ाइन भी बढ़िया लगा है। चलिए दोस्तों अब अपने सिस्टम को पावर ऑन कर लेते हैं एंड देख लीजिए दोस्तों यार सामने की तरफ से हमें लाइट इफेक्ट्स भी मिलता है, इस चीज़ को भी मैं आपको डिटेल पे दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी टॉप वॉल्यूम दिखा देता हूँ, देख लीजिए डिस्प्ले भी ऑन हो गया है हमारा एंड दोस्तों इस पर हमें 60 तक की मैक्स वॉल्यूम मिल जाती है एंड हम बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम 20 तक के पॉइंट तक बेस एंड ट्रेबल दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू, तो इस चीज़ को भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसके थोड़े लाइट इफेक्ट को डिटेल में दिखा रहा हूँ, साथ में आप थोड़ा डिज़ाइन को भी डिटेल में देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं, तो देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। तो दोस्तों यार कैसा लगा आपको इस मॉडल का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार आपको पता लगा होगा कि इस मॉडल पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है, सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों यार अगर आपको इस मॉडल का डिटेल पे साउंड टेस्ट चाहिए होगा तो उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यार एक डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो भी आपके लिए लेकर आ जाऊं अगर आपको डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो चाहिए होगा तो। चलिए दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यार साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया लगी है हमें, मतलब अगर हम पुराने मॉडल्स देखें इंटेक्स के तो यार दोस्तों उन पर क्या होता था, फुल वॉल्यूम पर आवाज़ जो है वो क्रैक करती थी, साउंड क्वालिटी फटने लग जाती थी। बट दोस्तों यार इस मॉडल पर हमें ऐसा फील नहीं हुआ है, मतलब साउंड क्वालिटी नहीं फटती है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी है। साथ में दोस्तों यार बेस क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब डीप तो नहीं मिलेगा उतना बेस आपको, बट यार डिसेंट बेस आपको ज़रूर मिलेगा। लाउडनेस काफ़ी बढ़िया लगी हमें इसकी। क्लियरिटी भी दोस्तों डिसेंट है, मतलब ट्रेवल की मुझे थोड़ी सी कमी जरूर लगी है, बट यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि यार क्लियरिटी अच्छी नहीं है, क्लियरिटी भी काफ़ी बढ़िया लगी है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों यार साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा मॉडल है। अगर आपको परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेस कर सकते हैं। बाकी डिटेल साउंड टेस्ट चाहिए होगा तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। सर आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।